हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे वोकल चेन थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड स्पेशली वोकल अगर फ़ोन में रिकॉर्ड हो। सो ये वोकल बेसिकली मुझे आए थे, तो ये एक्चुअली फ़ोन में रिकॉर्डेड है, इसमें बहुत सी बेसिकली नॉइज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हुक एंड लाइन सुन लेते हैं। हुक पहले ट्रैक का ये था, सुहाने पादो तू बता दे यार, दुनिया क्या होगी कम जो तू छू ले आकर। और नेक्स्ट चीज जो है वो है वर्स यहाँ पे, खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा जैसे ये वक्त के निशान। अगर आप सुनोगे तो बहुत सी ज्यादा प्रोसेसिंग लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली नॉइस क्लीनिंग हुई है, व्हिच इज बेसिकली नीडेड। अगर वो मैं नहीं करता तो बहुत सी ज्यादा नॉइज है पीछे बैकग्राउंड में। तो पहली टिप मैं जो दूंगा, जब आप क्लीनिंग में आओ, वोकल क्लीनिंग में अगर आपको ऐसे वोकल्स आ रहे हैं बेसिकली, तो उसको क्लीन करने के लिए यू कैन यूज सर्टेन टूल्स। तो मैंने वही टूल्स यहाँ पे भी यूज़ किए सेम अपनी म्यूजिक प्रोसेसिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि वोकल एक्चुअली ऐसी सिचुएशन रिकॉर्ड हुआ है जहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा बर्ड की नॉइज है पीछे, काफ़ी बेस में काफ़ी रंबलिंग साउंड्स हैं। तो अगर आप सुनेंगे यहाँ पे ट्रैक को, खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं वो पूरा रिमूव कर दूंगा वोकल से, तो बेसिकली क्या होगा, वोकल अपना वो खो देगा एकदम पूरा टेक्सचर। हैरान जो तू, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ EQ मेरे पास यहाँ पे, मैंने यहाँ ज़्यादा नेमिंग नहीं की क्योंकि ट्रैक में इतना कुछ बड़ा स्टेम्स नहीं, क्योंकि पहले से एक ऑलरेडी ट्रैक है जिसमें बस फ्री स्टाइल किया है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेमिंग नहीं किया, वरना मोस्ट ऑफ टाइम जब मेरे को बड़ा ट्रैक आता है तो हैरान जो तू, यहाँ पे मैं बहुत प्रोसेसिंग है, पर बहुत लिटिल लिटिल प्रोसेसिंग है। अगर चेन बंद कर दूँ, अगर हैरान जो तुझसे फुर्सतें आसान हो, आंखों में ढलती चारी, हैरान जो तुझसे फुर्सतें, आप सुन सके तो पीछे बर्ड्स की एक्चुअली आवाज आ रही है, हैरान जो तुझसे फुर्सतें आसान हो, आंखों में ढलती यहाँ पे। सो नेक्स्ट चीज व्हाट आई डिड एक्चुअली, अगर यहाँ पे करूँगा, हैरान जो तुझसे फुर्सतें आसान हो, आंखों में ढलती चारी जैसे शायर की, थोड़ा मिनिमम हो गई है वो, और ऑब्वियसली आप देखो थोड़ा हाइज भी चले गए वोकल से, बट इट्स नेसेसरी मुझे लगा, बस इसलिए क्योंकि अगर मैं ओवरऑल मिक्स करता आगे जाके तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ट्रैक में, क्योंकि ज़्यादा हाइज बढ़ते ज़्यादा और इशू आते हैं कंप्रेशन में। क्योंकि अगर मैं जब मास्टर पे जाऊँगा तो वहाँ पे जब मैं थोड़ी बहुत और प्रोसेसिंग की, हल्की हल्की प्रोसेसिंग की है, तो वहाँ पे इशूज आ सकते हैं आपका बहुत। तो पहले से मुझे इन चीज़ों को करना है। तो सबसे बड़ा जो मेरा हमेशा एक्चुअली वो रहा गो थ्रू वो वोकल राइडर है बेसिकली। ये प्लगइन क्या करता है, अगर आप चाहो तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो वोकल में डिफरेंसेस हैं, डायनेमिक डिफरेंसेस हैं स्पेशली, अगर मैं इसको जूम आउट जूम करता हूँ या वोकल में जो भी डिफरेंसेस हैं, यू सी जो भी उतार चढ़ाव है मेरे, तो ऑब्वियसली पीपल डू कंप्रेशन बेसिकली बहुत से आर्टिस्ट। पर अगर आप देखोगे बहुत से ओल्ड इंजीनियर्स को, तो वो यूज़ करते आए हैं, पहले क्या करते हैं वो गेन लेते हैं, गेन नॉब लेते हैं। और स्पेशली आप क्या कर सकते हो, यहीं से आप अपनी क्लिप का अगर FL में करना है तो ऑटोमेट कर सकते हो यहाँ से वॉल्यूम को, वो ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं जितना वो एक्चुअली बेसिकली उतार चढ़ाव को बहुत ज़्यादा है, जो कानों को लगे कि भाई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाहर आ रहा है ट्रैक से, राइट। तो क्या बोलते हैं कि उसको ठीक करने के लिए इंजीनियर पहले एक्चुअली एडिट करते हैं उन चीज़ों को। तो वोकल राइडर उसी चीज़ की बेसिकली यू कैन से एक कॉपी काइंड है उसी चीज़ का एक्चुअली बेसिकली। इट्स लाइक अ ऑटोमेटेड टूल जो अपने आप ही बेसिकली, मैं जिसको रेंज दे रहा हूँ सर्टेन, तो वहाँ पे अपने आप बेसिकली हैरान जो तू उस उतार चढ़ाव को कंट्रोल करता है। हैरान जो तुझसे फुर्सतें आसान हो, आंखों में ढलती चारी जैसे शायर की कोई शाम। ज़्यादा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लगा मेरे को यहाँ पे डायनेमिकली। सो बेसिकली अब वोकल आप देखोगे अगर फोन में रिकॉर्ड हो तो ज़्यादा कंप्रेस्ड भी आते हैं, अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा डायनेमिकली पैक्ड है। डायनेमिकली पैक्ड मतलब जो उतार चढ़ाव अगर आप देखोगे जिस तरह से वर्ड्स गा रहे हैं, तो हर एक वर्ड में जो ऊपर नीचे वॉल्यूम डिफरेंसेस, अगर मैं कहूँ सिंपल खुद ही से आगे रखो, तो मुझे क्या करना है, मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा वोकल डिस्ट्रॉय कर दूँ, फिर बाद में थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रेशन डाला है। उसके बाद जब मैं थोड़ा गेन कंट्रोल किया, तो मैं लगता है जहाँ पे मुझे मेरे थोड़ा अटैक थोड़ा रिलीज जिस तरह से मतलब शार्पनेस अगर वोकल में, तो बेसिकली उसको कैसे कम कर सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि सेपरेट वीडियो में कंप्रेशन या EQ पे बनाओ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो डाउन बिलो, तो मैं एक वीडियो उसको लेके भी बना दूंगा। खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा जैसे ये वक्त के निशान हो, मौत भी हैरान जो तुझसे। यहाँ पे आप देखो बहुत बॉक्सी है, बहुत चॉपी लग रहा है वोकल, जिस तरह से खुद ही से आगे रखूं जो स्टार्टिंग वर्ड है जिसे हम ट्रांजिएंट कहते हैं वोकल का, बोला जाए तो यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग वर्ड देखें, किसी भी स्टार्टिंग उसको देखें, तो दीज आर ट्रांजिएंट्स, राइट। खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा जैसे ये वक्त, वो बेस कंट्रोल अगर आप देख रहे हो जो बेस है पीछे, वो बेसिकली नहीं पकड़ पा रहा। विदाउट कंप्रेशन इट्स नॉट पॉसिबल, वो बॉक्सिंग है। आई नो आई साउंड वियर्ड, बट जो बेस साउंड नीचे की अगर हम EQ को यहाँ देखें,
ईक्यू पे आपको दिखा सकता हूँ, खुद ही से, गारंटी ये सारा मान लेते हैं खुद ही बेस से ऑफ। या तो कंप्रेसर खुद ही बेसिकली, से अगर आप देखोगे कि अगर हम बात करें मिक्सिंग की, अगर आप ध्यान से यहाँ ध्यान दें, तो मिक्सिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो डायनेमिकली ईक्यू में और जो नेचर है साउंड का, जिस तरह से एक्चुअली ह्यूमन सुनते हैं, और खुद ऑब्वियसली ही से या खुद बेस भी अगर आप देखोगे ईक्यू ही में, से आगे रखो, बेस ज़्यादा लाउड है कंपेयर टू मेरे खुद हाइस ही के, से से आगे एनर्जी देखो यहाँ पे बेस फ्रिक्वेंसीज की, तो जितना हम नीचे जा रहे हैं वहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्चुअली बेस रिस्पॉन्स बहुत खुद बढ़ ही रहा है। से आगे रखूं तेरे नाम। तो जैसे मैं कंप्रेशन लगाया, तो सबसे पहले वो डायनेमिकली जो अटैक कर रहा है साउंड, क्योंकि जो कंप्रेसर है वो ऑडियो को डायनेमिकली कंट्रोल करता है, तो कहने की लाउड फ्रिक्वेंसीज जो हैं स्पेशली जो लो फ्रिक्वेंसीज में उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वही कंप्रेशन मेरा कर रहा है। खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, एकदम रिफाइन लग रहे हैं वोकल, मुझे ज़रूरत नहीं मैं हाँ ईक्यू करूँ उतना। खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा, अब थोड़ा मैं डीएसआर किया क्योंकि एसएस साउंड अगर होती, खुद ही से आगे रखूं, खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा, जैसे ये वक्त के निशान हो। तो इसे थोड़ा सा मिनिमम कम हुआ है, मैं नहीं चाहता कि पूरा अफेक्ट करूँ, पूरा अफेक्ट करूँगा तो प्रॉब्लम होगी, बहुत बहुत मिनिमम मिनिमम चीज़ें की हैं यहाँ पे। फिर मैंने बहुत ईक्यू किया है, नेक्स्ट चीज़ में बहुत ज़्यादा करता हूँ कंप्रेशन ईक्यू में बहुत ज़्यादा करता हूँ। आप देखोगे मैं कुछ फैंसी प्लगइन इतना नहीं डालता, खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा, जैसे ये वक्त, वोकल काफ़ी खुला लग रहा खुद है ही इसके से हिसाब से। आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा, जैसे ये वक्त के, मैं चाहूँ तो इस ईक्यू के बिना भी कर सकता हूँ, पर मुझे बस टेक्सचर वाइज जब मैं इसको ट्रैक के साथ ब्लेंड करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत सुनते हैं हम ट्रैक के साथ। खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा, जैसे ये वक्त के, खुद ठीक है, ही से आगे रखूं तेरे, मुझे बस लगा बेसिकली जब मैं ईक्यू कर रहा था, मुझे बस ये लगा कि ये ईक्यू ब्लेंड अच्छा कर रहा है अगर मैं ट्रैक के साथ इसे खुद ही सुनूँ। से आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा, जैसे ये वक्त के निशान हो, मौत भी हैरान जो तुझसे फुट, मतलब मैं बिठा सकता हूँ उसे ट्रैक के साथ, क्योंकि ट्रैक मेरे पास ऐसा है कि मैं अदर फ्रिक्वेंसीज को ट्रैक की वर्क नहीं कर सकता, वर्कआउट नहीं कर सकता किसी मेन ट्रैक को, तो मैंने वोकल पे बेसिकली ईक्यू लगाया कि मैं कौन सी चीज़ें वहाँ पे बेसिकली हटा सकता हूँ। मुझे ठीक लगा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे बिना उसके भी कर सकता हूँ, पर आई थिंक आई जस्ट लाइक इट विद द ईक्यू, ये लॉजिकल पर्सपेक्टिव था। तो मैं बार बार इसको बंद करा जा रहा था, खोले जा रहा था, बंद किया जा रहा था, तो आई डिसाइडेड कि मैं इस तरह से जाता हूँ। फिर मैंने आर्टिस्ट को भेजा, क्योंकि आर्टिस्ट को बाबा पूछना चाहिए कि उनको किस तरह से अपने वोकल छक रहे हैं। उन्होंने ठीक है इफ़ ही लाइक्स इट एट दी एंड थोड़ा बहुत, और अगर आप ऐसे आर्टिस्ट का काम करो जो थोड़ा अवेयर है थोड़ा मिक्स को लेके अपने कि उन्हें किस तरह का मिक्स चाहिए, तो बता सकते हैं। पर वहीं पे कोई नया आर्टिस्ट तो उस तरह से आपको खुद फैसला लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा, जैसे ही, और ऊपर से सबसे मेन चीज़ ये कि आप इफ़ यू लिसन इस लो फाई ट्रैक, तो थोड़ा सा मैं इसमें लो फाई के हिसाब से, अगर लो फाई के हिसाब से आप चीज़ें देखें तो थोड़ा सा कटिंग में ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि लो फाई काफ़ी रेडियो स्टाइल लगते हैं, थोड़ा विंटेज स्टाइल लगते हैं, टेप स्टाइल साउंड्स हैं, तो जब भी आप वो फाइव बना रहे तो आप ये सारी चीज़ें, सुहाने सुहाने तो ये चीज़ें कर सकते हैं। सुहाने बादल, ट्रैक सुहाने बादल, का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप एक्चुअली जाके पूरा सुन सकते हैं। आई एम जस्ट थोड़ा वोकल को लेके मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने इसे वोकल में कैसे किया, भी हैरान जो तू, राइट। सेम चीज़ मैंने हुक पे की है, कोई फैंसी कोई टेक्निक नहीं यूज़ करी है, सब डी एस एल एंड ऑल एवरीथिंग। अगर हम यहाँ पे ले आकर आते हैं दूरियां क्या होगी दूरियां कम, क्या जो होगी तू कम, छू ले या तू छू ले ट्रांजिशन या शेपर एंड ऑल एक्सपेरिमेंट, पर यहाँ पे मैं सिर्फ ले ज़्यादा आकर बस ले बेस आकर साउंड्स को थोड़ा काटा ले और आकर बस दूरियां क्या होगी कम, जो तू छू ले दूरियां क्या आकर, छू होगी ले आकर, कम। थोड़ा सा मैंने ब्राइट बनाया कंपेयर टू वर्स के, इसको थोड़ा ब्राइट रखा है। अगर आप सिंपली देखो तो मैंने ई क्यूइंग की है, तो कभी आपको कन्फ्यूजन है कि ई क्यू कैसे करते हैं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। क्या पता मैं एक और वीडियो बना सकूँ जिसमें हम ई क्यू को लेके बात करें बेसिकली पूरा, मतलब अगर ऐसी कंडीशन में वोकल रिकॉर्ड हुए बेसिकली जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ट्रैक को लेके, तो डू नॉट डू दैट, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, इससे वोकल काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। एंड तभी मैं बहुत मिनिमम चेंजेस किए हैं, और फिर ये जो मैंने चीज़ें की यहाँ पे, तब चाहे जितनी भी प्रोसेसिंग मैंने की हो, ये बस मेरे खुद के फैसले हैं, ये मेरी पूरी बस थी, इस बस में सबके सब कंबाइंड है, और थोड़े बहुत चीज़ें मैंने एक्चुअली मेन इंडिविजुअल चैनल पर किए हैं जो कि सिर्फ ई क्यू है, पहले से किया हो जिस तरह में साउंड चाहिए। और मैंने यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा ऑटो पिच करेक्शन भी किया है। खुद ही से आगे रखूं तेरे नाम को, लम्हे क्यों गवा, जैसे ये वक्त के निशान, अब सबसे वो क्या कि अगर मैं सोलो सुन रहा हूँ ट्रैक को तो बेसिकली काफ़ी नॉइज़ है, पर देर इज़ समथिंग कॉल्ड फ्रिक्वेंसी मास्किंग। जब कोई लाउड साउंड क्या बोलते हैं जो एक दूसरी साउंड है जो उससे कम है उसको दबा सकती है, जैसे आप पार्टी में अगर रहें तो अगर किसी फ्रेंड को आवाज़ लगानी है या उस इंसान जिससे आप बहस कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा लाउड जाना पड़ेगा, तो आप ये समझ सकते हैं दोनों बहस कर रहे हैं आपस में, तो ये एक्चुअली लाउड है तो इसने इसको दबा दिया।
काफी, क्योंकि इसमें बहुत काफी डायनेमिक कंटेंट है कंपेयर टू इसके बाद। जो तुझसे फुर्सते आसान हो, आंखों में ढलती जारी जैसे शायर की कोई शाम हो, होंठों पे नाम नहीं बस आंखों में सम। तो मुझे उतना नहीं दिखती वो नॉइज, बट इट्स स्टिल देयर, सो मैनेजेबल है। फिर और चीजें जो मैंने की हैं, बस इफेक्ट एड्स किए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बस अपना रिवर्व एंड ऑल ऐड किया है। बादल तू बता दे या कर, ये ऑटोमेटेड है कि जहाँ जहाँ एक्चुअली बेसिकली, तो यहाँ पे मैंने बहुत काफ़ी यू नो टाइम लगाया था, टाइम भी क्या मतलब इन द सेंस लाइक आई आस्क द आर्टिस्ट इटसेल्फ, क्योंकि उनको डिफरेंट तरीके से चाहिए थे कि भाई कहाँ पे डिले आएगा कहाँ पे डिले नहीं आएगा। सुहाने बादल तू बता दे या कर, दुनिया क्या होगी कम जो तू छू ले या कर, न पूरा था मैं अब अधूरा सफर। राइट, तो इस चीज के हिसाब से अगर यहीं से सुने तो डायरेक्टली बता दे या कर, दुनिया क्या होगी कम जो तू छू ले या कर, न पूरा। So these things you have to keep in mind. जब यहाँ पे छोटे छोटे changes यहाँ पे भी हैं, right? And यहाँ पे also मैंने एक और चीज की जो मैं last में discuss चाहूँगा, जो मेरा actually main track है, इसको भी मैंने basically बहुत थोड़ा बहुत dynamic की बनाया ताकि मैं उसके हिसाब से blend कर सकूँ track में। इसमें kick बहुत aggressive थी इस track में basically, तो मैंने क्या किया है वहाँ पे EQ किया है ताकि मैं बेस को कंट्रोल कर सकूँ थोड़ा सा। मुझे बस पसंद नहीं आ रहा ट्रैक के हिसाब से, क्यों मुझे किक बहुत एग्रेसिव हो रही है, और जब मैंने किक को बिठाया तो ट्रैक काफ़ी अच्छा साउंड करता, क्योंकि आई जस्ट फील लाइक दैट। अभी एज ए इंजीनियर मेरा था, ऑब्वियसली आर्टिस्ट को भी पसंद आया, एंड आई थिंक ही डिडंट इवन नोटिस दैट थिंग। तो ये मेरा खुद का एक वे था कि इस ट्रैक को इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, इस तरह के वोकल्स और इस तरह के वे के साथ, द वे ही जस्ट सिंगिंग है। इसलिए ब्यूटीफुल ट्रैक, क्योंकि ऑब्वियसली एक फ्री स्टाइल ट्रैक है जहाँ पे बेसिकली वो यू आर जस्ट राइटिंग आउट समथिंग एंड जस्ट हैविंग जैमिंग ऑन इट, तो इसको मैंने थोड़ा रॉ भी रखा है। तो ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है, मैंने कहता कि परफेक्ट मिक्स है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ परफेक्ट मिक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलतियाँ भी हैं लाइक राइट, क्योंकि वोकल अगर ठीक से रिकॉर्ड हो तो हमें बहुत सारे चांसेस हैं कि हम बहुत तरीके से क्रिएटिव हो सकते हैं, या अगर हम एक्स्ट्रा कुछ और यू नो बैकिंग वोकल्स बेसिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उससे बहुत सारे इफेक्ट्स यू कैन क्रिएट। सो ये चीज़ बेसिकली है, एंड होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइज। ये मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि समथिंग विच इज़ रियली रॉ, एंड ऐसे सिचुएशन जहाँ पे बेसिकली कैसे आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो याद रखिए फाइनल थॉट्स जो मैं देना चाहूँगा, पहली चीज़, अगर वोकल बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि जैसे कि फ़ोन की रिकॉर्डिंग के थ्रू आए अच्छे से रिकॉर्डिंग है, सबसे मेन चीज़ होती है आप नॉइस क्लीनिंग करें। नॉइस क्लीनिंग टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे ऑब्वियसली, या आप AI टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा क्लीन करते हैं, बट स्टिल देयर आर सम अनसर्टेन इशूज़। तो RX बहुत अच्छा है, ओजोन का, यू गाइस कैन चेक इट आउट, उससे आप बेसिकली चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। सो या लर्न योर प्लगइन्स, नो योर प्लगइन्स, डिफरेंट प्लगइन्स ट्राई करो, कौन सी चीज़ें वर्क कर सकती हैं कौन सी नहीं कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट डाउन बिलो अगर वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को।